इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिलरिटी एंड कैपिलरी एक्शन। सो मैंने सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, साथ ही साथ जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप न्यू हैं तो प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। सो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है कैपिलरिटी एंड कैपिलरी एक्शन। सो कैपिलरी एक्शन मतलब क्या? कैपिलरी एक्शन मतलब फ्लो होना। किस चीज का फ्लो होना? लिक्विड हो सकती है, बेसिकली लिक्विड ही होती है। फ्लो कैसे होना? कंपोनेंट्स के थ्रू या कैपिलरी के थ्रू। ये क्या बोल दिया भाई, कंपोनेंट्स कैपिलरी अलग ही चीज है। बेसिकली जैसे देखो, हम वाटर बड़ा सा जार है, हम उसको रूट में पानी देते हैं सिर्फ, बट वो पहुंचता हर एक पत्ते तक है। समझ में आ रहा है? वो है बेसिकली कैपिलरी एक्शन। समझ में आ रहा है? कैपिलरी एक्शन यानी कि छोटे छोटे, कैपिलरी मतलब देखो माइन्यूट सा होल। माइन्यूट भी कितना माइन्यूट? 0.05 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। बेसिकली बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, इससे भी छोटा हो सकता है। समझ में आ रहा है? 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। 1 मिलीमीटर होता है यूजुअल। 1 मिलीमीटर होल समझो कितना छोटा सा हो गया, ये मत समझो, यही कंसिडर करो, नेचुरली यही यूज करते हैं। सो बेसिकली इतने से होल में से कुछ पास हो तो रूट्स के थ्रू, पत्ते के थ्रू, एकदम रूट्स के थ्रू पत्तों में पानी पहुंचता है, तो कैपिलरी एक्शन होता है। सेम वे में कैपिलरी ट्यूब, जो खुद एक बड़ा एग्जांपल है। सो बेसिकली होता क्या है, सो उसके लिए हमें प्रेशर डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी फ्लो हो रहा है तो जरूर है, कंपल्शन है कि प्रेशर डिफरेंस होगा। सो तीन तरीकों के हमने केस कंसिडर किए थे, ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस, ये है थर्ड केस। पिछली वीडियोस में सब डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। सो क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो जो ऊपर प्रेशर रहेगा सेम प्रेशर रहेगा नीचे। समझ में आ रहा है? मुझे डायग्राम्स थोड़े बड़े बना लेने चाहिए। सो फर्स्ट केस में तो कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है कि प्रेशर दोनों जगह सेम रहेगा, इसलिए तो वो स्ट्रेट है। यहां क्या सिचुएशन होगी? अब सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो मुझे सर सॉरी हाँ फोर्स है एक वेक्टर, सो सरफेस टेंशन भी है एक वेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टोरियली डिफाइन करता हूँ सरफेस टेंशन को। तो एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा, तो रिजल्टेंट कहां होगा? रिजल्टेंट होगा बाहर। तो सेम वे में थर्ड एग्जाम्पल में क्या सिचुएशन होगी? थर्ड एग्जाम्पल में सरफेस टेंशन का एक कंपोनेंट यहां, दूसरा यहां, तो रिजल्टेंट कहां? नीचे। तो जहां फोर्स होगा वहां प्रेशर होगा, ठीक है? प्रेशर तो दोनों जगह है, प्रेशर लिक्विड के अंदर भी तो होगा, बट जहां सरफेस टेंशन का फोर्स है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जहां फोर्स एक्ट होता है वहां प्रेशर डेफिनेटली आ जाता है, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो यहां जो प्रेशर है पी ए वो ज्यादा रहेगा पी बी से, यहां जो प्रेशर है पी ए वो रहेगा कम पी बी से। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? ये सब क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। तो होता क्या है, जब हम पानी में कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, कैपिलरी ट्यूब मतलब एक ऐसे सर्कुलर छोटा सा ट्यूब रहता है, छोटा सा, जिसका रेडियस कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर किसका? इसका रेडियस नहीं, इसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब रहता है, समझा? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। आप केमिस्ट्री लैब में आपने देखा ही होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट करते हो वही है बेसिकली कैपिलरी ट्यूब, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करते हो, एक तरीके से एक साइड से उसको गर्म करते हो, गर्म करके उसका ढक्कन बंद कर देते हो, फिर सॉल्ट डाल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट करते हो, वही है कैपिलरी ट्यूब। तो प्रेशर डिफरेंस आप समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैपिलरी में राइज क्यों होता है वॉटर, ठीक है? वो देखने के बाद हम करेंगे एक छोटी सी डेरिवेशन। सो मैं एक डायग्राम बना देता हूं, बड़ा सा काफी, जिससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए। सो ये है सपोज मेरी कैपिलरी ट्यूब। सो यहां पर वाटर फ्लो हो रहा है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रेशर पॉइंट्स कंसीडर करनी पड़ेगी। डायग्राम यार फिर मुझसे टेढ़ा बन गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखने लायक है। सो माफ कर देना गलतियों के लिए। सो सपोज मैं चार पॉइंट्स कंसीडर करता हूं, 1 2 3 4, नाम दे देता हूं ए बी
सी डी। यहां पर ए बी की सेम हाइट है, सी डी की सेम हाइट है। हाइट कहां से आई आपके दिमाग में आ रहा होगा। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज एच रो जी। रो डेंसिटी सेम है सबके लिए, ग्रेविटी सेम है सबके लिए, सो हाइट बचा। सो हाइट अगर सेम है, सो पी ए और पी बी की हाइट सेम है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी डायरेक्टली, क्योंकि दोनों एयर में है, दोनों सेम हाइट पे, दैट्स इट। अब आ जाते हैं बी डी पे। सो पी बी इज इक्वल टू बी डी। अब आप सोच रहे हो कि भाई तबियत ठीक है ना, पहले बोलते हो हाइट सेम है तो प्रेशर सेम है, और अभी डायरेक्टली ऐसे कहते हो। तो देखो असल में ऐसा जो डायग्राम है, एक्चुअली यहां पर मैंने कर्व थोड़ा स्मूथ बना दिया है, बट असल में जो हमने देखा सरफेस टेंशन का एडहेसिव फोर्स यहां और यहां लगता है, बाकी पूरा पोर्शन स्ट्रेट ही रहता है। तो स्ट्रेट सरफेस के लिए हमने देखा कि प्रेशर अबव और प्रेशर बिलो सेम रहता है, अभी देखा दो मिनट पहले। सो उस रीजन से ये दोनों भी सेम। अब आ जाते हैं पी ए और पी सी पे। तो हमने इस डायग्राम में कंसिडर किया कि सरफेस टेंशन का फोर्स यहां और यहां है, यानी कि रिजल्टेंट बाहर है। सो प्रेशर पी ए पे ज्यादा है पी सी से। सो यानी कि प्रेशर डिफरेंस है तभी कैपिलरी में राइज हो रहा है, इतना समझ में आ चुका है, ठीक है। बट कैपिलरी में जो पानी फ्लो हुआ, यहां यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंस की वजह से, एक हाइट तक जाके पानी रुक जाएगा। सो क्वेश्चन है हाइट तक कहां रुकेगा, मतलब कौन सी हाइट तक रुकेगा, क्वेश्चन वहां पे है। मतलब जिन्होंने ये फॉर्मुलेज बनाई वो सोच रहे थे कि यही क्यों रुका, क्या खास था यहां पर जो इसी पॉइंट पे रुका, नीचे भी रुक सकता था, टॉप पे भी रुक सकता था, वहीं क्यों रुका, या यहीं पे भी रुक सकता था जहां बाउंड्री है, बट राइज क्यों हुआ बेसिकली। सो चलो उसका भी रीजन देख लेते हैं। अब सरफेस टेंशन एक वेक्टर है, वेक्टर होने से ज्यादा हमने उसे कैसे, चलो एक रफ बना देता हूं। अब हम कंसिडर करते हैं एक कैपिलरी ट्यूब जिसका अंदर लिक्विड वाटर है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हम जो टेंजेंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसी टेंजेंट को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं बाहर के तरफ भी, ओके। सेम वे में यहां पर भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूं बाहर के तरफ भी, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, ये है मेरा टेंशन वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसे रिजोल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट में, एक हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं भी कहो तो दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं हम हर वेक्टर को। तो सेम वे में यहां पर भी रिजोल्व करेंगे, ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। आप सोच रहे होंगे ये वाला एंगल होगा, बट अगर डायग्राम थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊं, ये एंगल है देखो थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। समझ में आ रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। थोड़ा सा ड्रॉ मुझसे ऐसे हो गया है, अगर परफेक्ट स्केल वैसे करूंगा ड्रॉ तो वैसे ही होगा, यानी कि लाइंस एकदम मैच करेंगी। सो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो ये थीटा, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। सेम सिचुएशन यहां पर, ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो ये जो ट्यूब में पानी है, एक्चुअली तो ट्यूब सर्कुलर है। अब जैसे ग्लास में पानी है तो पानी पूरे सर्किल के अराउंड है ना, ग्लास पानी भरो पूरा सर्कुलर शेप में पानी है, तो मैं कुछ ऐसे समझ सकता हूं कि कुछ ऐसा सर्कुलर शेप है, हर जगह टी कॉस थीटा कंपोनेंट है उस पे, हर जगह टी कॉस थीटा है ही है, समझ में आ रहा है। सो ये कंपोनेंट्स कौन से हैं, टी कॉस थीटा। तो आप सोच रहे होंगे अरे टी साइन थीटा भी तो होना चाहिए, हाँ उस पे भी हम आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। सो टी साइन थीटा भी तो होगा हर एक जगह, एक्चुअली टी साइन थीटा ऐसा कंपोनेंट है, यानी कि ऐसे इस तरीके से क्या होगा, टी साइन थीटा हर जगह का कट हो जाएगा। कट हो जाएगा मतलब जैसे अभी टी साइन थीटा यहां पर बनाए,
ये वाला इसे कैंसिल करेगा, ये वाला इसे कैंसिल करेगा, ऐसे करके हर एक कैंसिल कर लेंगे। अब आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये और ये सेम है, बट सोच के देखो जरा सर्कुलर चीज। हाँ चलो एक सेकेंड, टी कॉस थीटा कैसे है, टी कॉस थीटा लाई कर रहा है ऐसे ऊपर, हर जगह ऊपर, हर जगह पूरे ढक्कन पे हर जगह ऊपर ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। टी साइन थीटा कैसे लाई कर रहा है, बाहर की तरफ, तो ऐसे लाई कर रहा है टी साइन थीटा, समझ में आ रहा है। सो टी कॉस थीटा को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, कोई भी कैंसिल करने वाला नहीं है, टी कॉस थीटा ऐसे है। टी साइन थीटा को देखो, इसको कैंसिल कौन करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल कौन करेगा जो मेरे तरफ आ रहा है, ये इसको कैंसिल करेगा, ऐसे करके टी साइन थीटा खुद में ही कैंसिल हो जाएगा। सो टी साइन थीटा खुद में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अभी समझा टी कॉस थीटा किस लिए रह जाता है। सो ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, सो उस पर भी हम आते हैं। सो फोर्स इज इक्वल, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट, सरफेस टेंशन बेसिकली है फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें करना क्या है, अभी भी बताया कॉस थीटा और ये सब का स्ट्रक्चर हमें समझना है। सो फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सो वही हमें देखना है। सो फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, मतलब टेंशन इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। सो ये फोर्स कौन सा है, अपवर्ड फोर्स है हमारा, क्योंकि हमने देखा कॉस थीटा ऊपर है तो ये फोर्स अपवर्ड है। सो टेंशन यहाँ पे क्या है, सो टेंशन का कौन सा कंपोनेंट डोमिनेंट है, सो टी कॉस थीटा डोमिनेंट है। अच्छा लेंथ क्या है, यहाँ पर लेंथ क्या है, एक्चुअली हमने लेंथ डिफाइन कैसे की थी सरफेस टेंशन में, जब हमारा प्लेन सरफेस था, बट यहाँ पर लेंथ हमें लेनी पड़ेगी एज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल है हमारे पास सब लेंथ की जगह। सो यहाँ पर आ जाएगा 2πr। अब क्या सिचुएशन है, अब हमें अपवर्ड फोर्स मिल गया। देखो एक बार तो फिक्स है, अगर राइज हुआ है लिक्विड में, जब लिक्विड इनिशियली राइज हो रही थी उसका मतलब है कि फोर्सेस बैलेंस नहीं थे, जब लिक्विड थोड़ी लेवल पे आके रुक गई उसका मतलब फोर्सेस बैलेंस हो गए। सो अपवर्ड फोर्स को बैलेंस किसने किया ये हमें फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। सो अपवर्ड फोर्स हमें मिल गया, अब डाउनवर्ड फोर्स हमें ढूंढना है। डाउनवर्ड कौन सा फोर्स एक्ट होता है, एक ही न्यूटन के चैप्टर में करते आ रहे हो, एम जी, जिसे हम कहते हैं वेट। सो बस आइए लिखते हैं, सो डाउनवर्ड फोर्स है वेट इज इक्वल टू एम जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पता है जी को तो कुछ कर ही नहीं सकते, सो मास इज इक्वल टू दी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी को कुछ नहीं कर सकते, बट वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वेट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच टाइम्स रो और ग्रेविटी मल्टीप्लाई, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट क्यों कर दें, बेसिस मतलब सर रीजन क्या लिखें, रीजन लिखो सिंस द लिक्विड हैज स्टॉप्ड राइजिंग इन द कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि लिक्विड राइज होना स्टॉप हो चुकी है, तो वी कैन ऑब्जर्व द अबव नेटवर्क, अबव द नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स, सो वी कैन इक्वेट देम। सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा टी कॉस थीटा ऑफ टू टाइम्स टू पाई आर इज इक्वल टू दी पाई आर स्क्वायर एच रो जी। सो पाई पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने के लिए है ही नहीं, चलो ठीक है, आर आर कैंसिल, सो टी इज इक्वल टू दी एच आर रो जी अपॉन टू कॉस थीटा, एंड दैट्स द फाइनल आंसर टू द डेरिवेशन। सो इस तरीके से सरफेस टेंशन से हम बेसिकली फाइंड कर सकते, सरफेस टेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। देखो डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एच हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एच हम डायरेक्टली स्केल से मेजर कर सकते हैं, बाकी आर और कॉस थीटा में दिक्कत होती है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, समझ में आ रहा है, काफी भयंकर एक्सपेरिमेंट है, काफी हार्ड एक्सपेरिमेंट है। हार्ड क्यों है आप सोच रहे होगे, देखो ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन रहती है, ओके
ग्रेजुएशन में मैंने ये किया है एक्सपेरिमेंट। एच हम कैसे निकालते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में कैपिलरी डालते हैं, कैपिलरी का जो सरफेस आता है यहाँ पे हम स्केल लेते हैं, ये लेंथ मेजर करते हैं, ये लेंथ आती है कुछ 2-2.5 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द कैपिलरी। सो एच हमें ऐसे मिल जाता है। डेंसिटी गिवन है, वाटर की फिक्स है, जी पता है, टू पता है, कॉस थीटा भी पता रहता है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट ही रहता है हर सरफेस का। मेन जो दिक्कत आती है वो आ जाती है आर फाइंड करने में, बहुत हालत खराब होती है। क्यों? क्योंकि आर कितना है, 1 मिलीमीटर है बेसिकली, आर है 1 मिलीमीटर। ये मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में पता नहीं होगा, एग्जाम में दे देंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे कैपिलरी रखनी पड़ती है स्टैंड पे, ऐसे कैपिलरी रखनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, माइक्रोस्कोप को एकदम 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 जूम करेंगे, एकदम जब जाके जूम करेंगे माइक्रोस्कोप को। सपोज ये है होल, तो माइक्रोस्कोप में जब एकदम जूम हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, जैसे आप लोग बायोलॉजी में कैसे करते हो माइक्रोस्कोप, वैसे हमारा यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है फिजिक्स में, ये एकदम जूम हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फिर हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, स्केल लेते नहीं है, वहीं पर होती है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इंटरेस्ट के तौर पे। ये लेंथ मेजर करते हैं, फिर ये लेंथ मेजर करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमको बीच की लेंथ मिल जाती है। तो ये देखने में बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है। सो दैट्स इट, 12th स्टैंडर्ड में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म हो गया। सो बस नेक्स्ट चैप्टर आपको जो चाहिए आप कमेंट्स में हमें बता दीजिए। और अब नवंबर का मंथ तो आ चुका है, बस पढ़ाई भी थोड़ा डीपली स्टडी करना चालू कर दीजिए। सो दैट्स इट, जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर सीरीज में। सो मैं देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री 1 भी थोड़ी कवर करने की कोशिश करूँ, काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और सॉलिड स्टेट, और मैथ्स में डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे पता है बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर भी देखते हैं, पहले फिजिक्स थोड़ा हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।